एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर कैसे आसान तरीके से जो है वो सैलरी शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक बहुत ही सिंपल बेसिक सैलरी शीट बनाई है, जिसके अंदर मैंने जो है एम्प्लॉय का डेटा ऐड किया है, जिसके अंदर उनकी क्या बेसिक सैलरी है, इसके अलावा कितने वर्किंग डेज उन्होंने काम किया है, वन डे सैलरी कैसे कैलकुलेट की है, इसके अलावा डिफरेंट अलाउंसेस जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमने जो है कुछ डिडक्शंस के कॉलम भी ऐड किए, यानी कि पीएफ, टैक्स या अगर एडवांस सैलरी ली है तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आते हैं अपनी सैलरी शीट पर। इस शीट के अंदर अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी सैलरी शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आमतौर पे देखा जाए तो एक सैलरी शीट के अंदर सबसे पहले देखें तो एम्प्लॉय का डेटा होता है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, इसके अलावा उनकी डेजिग्नेशन, इसके बाद हम देखते हैं उनकी बेसिक सैलरी, देन हमारे पास इंक्लूड होते हैं वर्किंग डेज के अलावा हम यहाँ देखते हैं वन डे सैलरी के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास हम डिफरेंट अलाउंसेस ऐड करते हैं जो कंपनी की तरफ से आमतौर पर प्रोवाइड करते हैं, लाइक मेडिकल अलाउंसेस। ज़रूरी नहीं है कि सारे अलाउंसेस आपको जो है ऐड करें, डिपेंड करता है कंपनी कौन कौन से अलाउंसेस दे रही है, हाउस अलाउंस, ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस के अलावा हम देखते हैं समटाइम कोई अदर अलाउंस, अगर कोई ट्रैवलिंग की है दूसरे सिटी वगैरह की, या तो कमीशन या किसी सूरत में और अलाउंस दिया जाए। अलाउंस करने के बाद यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिक सैलरी, जितने वर्किंग डेज उसने काम किया है और उसके अलावा जितने भी अलाउंसेज जो उसके बन रहे होते हैं वो ऐड होके किस में आ जाते हैं, हमारे पास ग्रॉस सैलरी के अंदर। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने पास, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रॉस सैलरी के बाद अब हम जो ऐड करने वाले हैं वो डिडक्शन का। तो डिडक्शन के अंदर देखते हैं हमारे पास एक आती है पीएफ की डिडक्शन होती है, एक हमारे पास होता है टैक्स के अलावा अगर हम देखें तो एक हमारे पास होती है एडवांस सैलरी की डिडक्शन। एडवांस सैलरी के बाद हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं अपने पास टोटल डिडक्शन का। टोटल डिडक्शन के बाद फाइनल हमारे पास कॉलम जो बनता है वो बनेगा नेट सैलरी का। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब हम जो है दोबारा से, तो यहाँ तक अब हम क्या करते हैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड और यहाँ पर जो है मैं राइटिंग चेंज कर देती हूँ, एरियल रखती हूँ, और इसको जो है हम दोबारा सिलेक्शन ही करते हैं, इसको हम करते हैं साइज इसका 12 रख देते हैं और इसको मैं कर देती हूँ सेंटर, ठीक है। और यहाँ से टाइम सेव करने के लिए क्या करती हूँ, मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली इसको कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगी तो ये देखिए डायरेक्टली वो फॉर्मेटिंग भी मेरे पास पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है मैं इसको इस तरह से पेस्ट नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पर आऊँगी, अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम आएंगे पेज स्पेशल के अंदर और पेज स्पेशल के अंदर यहाँ पर हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यू, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ आपके पास वैल्यूज कॉपी होकर आई है, कोई फॉर्मूला कोई फॉर्मेटिंग कॉपी होकर नहीं आई। इसके बाद हम यहाँ पर अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम वन डे सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वन डे सैलरी की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, आपने कैलकुलेट करनी अपनी बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज से, यानी नंबर ऑफ मंथ, एक मंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं यानी कि 30 या 31 होते हैं, तो यहाँ पर मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ 30, तो ये देखें एक वन डे की सैलरी कितनी बन गई 4000। यहाँ पर सिंपली हम डबल कर क्लिक करेंगे तो ये देखें सबकी जो है सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई, यहाँ से हम जो है वो डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने मेडिकल अलाउंस की कैलकुलेशन। यहाँ पर याद रखिए मेडिकल अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए जो रेट हम सिलेक्ट करें वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी वो है इफ का इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इक्वल टू इफ जो भी मेरी बेसिक सैलरी है, ठीक है, बड़ी या बराबर, यानी कि ग्रेटर देन का साइन लगाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है, किसके। अब यहाँ पर भी क्राइटेरिया मर्जी है, मैं यहाँ पर क्राइटेरिया 70,000 रख रही हूँ, ठीक है, जो भी मेरी सैलरी है बड़ी या बराबर किसके 70,000 के, तो यानी कि कॉमा, तो इस बेसिक सैलरी को
इस बेसिक सैलरी को 2.5% मेडिकल अलाउंस दिया जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2.5 से, परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं या डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, वरना तो इस बेसिक सैलरी का 2% अलाउंस कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2% लग दिया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम सिंपली क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउस अलाउंस कैसे करते हैं। इक्वल टू, अगेन हम इसकी कंडीशन लगाएंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं काम। इक्वल टू इफ, जो भी मेरी बेसिक सैलरी है बड़ी या बराबर किसके, 70,000 के, ठीक है, कॉमा, तो इस बेसिक सैलरी का 3% जो है वो हाउस अलाउंस दिया जाए, वरना कोई अलाउंस नहीं दिया जाए, जीरो। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हाउस अलाउंस कैलकुलेट होकर आ गया। अब हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यूजुअली सैलरी शीट के अंदर इस तरह से जीरो लिखा हुआ नहीं आता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास कॉमा है इसको हम डबल प्रेस कर देंगे, तो ये देखें। ठीक है, हम चाहे तो इसको हम डेसिमल को यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है, हम आते हैं कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस के लिए भी इक्वल टू इफ, यहाँ पर सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू इफ लगा के कंडीशनल अप्लाई करनी है। यहाँ पर जो भी मेरी बेसिक सैलरी है बड़ी या बराबर किसके, 70,000 के, इस बेसिक सैलरी का 3% जो है वो कन्वेंस अलाउंस आ जाए, वरना इस बेसिक सैलरी का 1.5 अलाउंस आ जाए। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, 1.5, और यहाँ पर हमने जो है वो साइन लगा दिया परसेंटेज का, और यहाँ पर हम जो है वो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंटर, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो कन्वेंस अलाउंस की कैलकुलेशन, और यहाँ से हम जो है सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं अदर अलाउंस। अब अदर अलाउंस के लिए भी अगेन इक्वल टू इफ, जो भी मेरी ब्रैकेटों पर जो भी मेरी बेसिक सैलरी है बड़ी या बराबर किसके, 70,000 के, तो उसे इस बेसिक सैलरी का 2% अदर अलाउंस दिया जाए, वरना जीरो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर भी हम जो इसको ड्रैग कर देंगे, और जहां पर जीरो है तो हम वहां पर कॉमा करके कर देंगे। सारे अलाउंसेस की कैलकुलेशन करने के बाद अब हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी ग्रॉस सैलरी की, तो वो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम जितने भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं हम उनको क्या कर देंगे, ऐड, कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वर्किंग डेज है, ठीक है, हमने सिलेक्ट किया वर्किंग डेज, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली वन डे सैलरी से और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई। एक और तरीका ये है कि अगर आप अपनी शीट के अंदर वन डे सैलरी का कॉलम ऐड नहीं करते हैं, तो उस सूरत में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास तरीका क्या होगा, आपने सिंपली सिलेक्ट करना है अपनी बेसिक सैलरी को, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 29 से, और डिवाइड कर देना है जो मंथ है आपके 30 से। तो ये देखिए सेम सैलरी आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई, तो दोनों तरीकों से आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने डिडक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पीएफ जो है अक्सर बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी बेसिक सैलरी को, और यहाँ पर बेसिक सैलरी का हम अज्यूम करते हैं कि 4% जो है वो आपके पास क्या है, पीएफ कैलकुलेट होकर आ जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें पीएफ कैलकुलेट हो गया, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीएफ की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की। टैक्स की कैलकुलेशन हम करने के लिए हम यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेटों पर, जो भी मेरी ग्रॉस सैलरी है बड़ी या बराबर। अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के अंदर अलाउंसेस भी इंक्लूड है, तो आप क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया रखती हूँ अपने पास 80 का, ठीक है, कि अगर मेरी सैलरी 80 या 80 से बड़ी है, ठीक है, तो इस ग्रॉस सैलरी का 2.5% या 2% हम कह लेते हैं टैक्स डिडक्ट किया जाए, वरना जीरो आ जाए।
ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉमा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं अपने पास एडवांस सैलरी का। अब एडवांस सैलरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहीं पर अपनी इसी शीट के अंदर राइट कर लें कि कितनी डिडक्शन जो है करनी है इस मंथ की, या फिर आप जो है सेपरेटली एम्प्लॉय का डेटा लें और वहां पर जो है सेपरेट शीट के अंदर, यानी कि अपने सेपरेट शीट के अंदर सिर्फ आपने ये डेटा कॉपी पेस्ट कर लें और अलग से एडवांस सैलरी का कॉलम ऐड करके वहां रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है फिलहाल यहीं पर अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं एडवांस सैलरी यहाँ पर लिखती हूँ 5000, तो इतनी अमाउंट जो है वो उन्होंने पहले से ले ली है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर करनी रिडक्शन के, टोटल रिडक्शन कितनी बनती इक्वल टू सम। तो यहाँ पर जो है मैं पीएफ से लेकर जितने भी एडवांस सैलरी सेल को सिलेक्ट कर दूंगी, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर टोटल रिडक्शन जो है वो इतनी बनती है, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास जितनी भी टोटल रिडक्शन है वो कैलकुलेट होकर आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने पास फाइनल कैलकुलेशन करते हैं अपनी नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी, माइनस करनी है आपने अपनी टोटल इंडक्शन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेट सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई। तो कितने आसान तरीके से हमने जो है वो अपनी सैलरी शीट बना ली। अब हम इसकी करते हैं फॉर्मेटिंग। तो हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है, या तो आप यहाँ पर जो है राइटिंग और फॉन्ट ऐड करें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ एरियल, फॉर्मेटिंग आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेंटर, और यहाँ से ऑल बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चाहे तो कोई कलर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहे तो सिलेक्शन करके कंट्रोल टी में प्रेस करती हूँ, माई टेबल है सेटर, ओके, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू टेबल में, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके से आपने जो है थोड़ी सी देर के अंदर आपने जो है वो सैलरी शीट बना ली। इसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो आप कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज किया, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट, और इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सेंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके भी फॉर्म को हम एरियल कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम चाहें जैसे कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कलर दे दिया और इसको मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया। इसके अलावा यहाँ भी मैं जो है इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज करके लिखती हूँ फॉर दी मंथ ऑफ, सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी भी राइटिंग हम एरियल कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड, और यहाँ से हम इसे कोई और कलर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे जो ऐड करनी है वो है डेटा वैलिडेशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है सिलेक्ट किया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं अपनी शीट के एंड पे आती हूँ और यहाँ पर जो है मैं लिख देती हूँ, देन आप सेपरेट शीट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं जो है वो ड्रैग कर देती हूँ, ड्रैग किया तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गई। इसके बाद हम जाएंगे दोबारा से अपनी सिलेक्शन करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं अपने सेल को सिलेक्ट करते हैं, डेटा के अंदर आते हैं, डेटा के अंदर हम आएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम यहाँ पर एनी वैल्यू है सिलेक्ट कर देंगे लिस्ट को। लिस्ट के बाद यहाँ पर हम सोर्स पे कर्सर रखेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर, इस लिस्ट को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ओके के बटन पर हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम आते हैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, तो ये देखें यहाँ अब हम जो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सेम कलर चूज कर लेते हैं, सेंटर कर देते हैं बोल्ड, और यहाँ से हम इसकी भी राइटिंग को चेंज कर देते हैं एरियल। तो होपफुली आपको ये सैलरी शीट समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल अल्लाह हाफिज़।